घर में कोई अच्छा कार्य हो, गंगा जली खोलो, बंद कर कर पूजने की नहीं है, गंगा जली खोलो, उसके पूजन करो खोल कर। गंगा का जल भी कहता है कि मुझे बाहर निकाला जाए, जिससे मैं परिवार का घर का कल्याण कर सकूं। गंगा जली का जल कभी नहीं सूखता, भरा रहता। जिसके घर में गंगा जली का जल सूख रहा हो, फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो। हमने पूरी झाला लगाकर पेक कर कर गंगा जली रखी थी, जल सूख गया तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, जब झाड़ी जी में से गंगा का जल सूखा निकल जाए, आपने झाड़ी जी खोली, गंगा का जल निकालना चाह, पर गंगा का जल सूख गया, आपने बजा कर देखा, इसमें पानी नहीं है, इसमें जल नहीं है, उसका क्या कारण होता है, गंगा का जल क्यों सूखता है, तुलसी का क्यारा क्यों सूखता है। किसलिए सूखता है, ये बहुत प्रमाणिक चीज है कि गंगा का जल झाड़ी जी में से सूख रहा है, तुलसी का क्यारा बारिश में लगाया, सब अच्छे से लगाया, सब कुछ करा, मालूम पड़े बस 4 महीना ठीक रहा, थोड़ी देर बाद में सूख ही गया। हम तो कहें कितने तुलसी के क्यारे लगा दिए, फिर सूख जाए, बाद में फिर लगाओ, फिर सूख जाए, बार बार लगाया, मांग कर भी लगाया, लोगों से कहकर भी लगाया, पर तुलसी का क्यारा लगता ही नहीं। हमने लगा कर देखा, सूख जाता है, बड़ी आफत, कहीं दूसरे के यहाँ से लेकर आओ, फिर लगाओ, फिर सूख जाए। कारण क्या है, क्या कारण? जिस गंगा जली का जल सूख रहा है, उसका कारण एक होता है कि परिवार में, घर में या तो किसी की नजर लग जाती है, हाय लग जाती है, या कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस परिवार में क्लेश, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई बीमारी पकड़ने वाली है, तो गंगा की झाड़ी अपने आप सूख जाती है। ध्यान दीजिए, संपदा कम होने वाली है, कहीं घाटा लगने वाला है, कहीं तकलीफ होने वाली है, तो गंगा की झाड़ी का जल अपने आप सूख जाएगा, समझ जाओ। मार्गदर्शन करते हैं, हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं रखी जाती है, चाहे लड्डू गोपाल की हो, जगदम्बा की हो, शंकर जी की हो, हनुमान जी की हो, पितरों की हो, किसी भी देवता की मूर्ति, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, जिस देवता की मूर्ति आपके घर में रखी होगी, अगर कोई घात लगने वाली होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा, तो भगवान के चेहरे की रौनक रंगत चली जाती है, भगवान का चेहरा भी उतर जाता है। सबसे पहले 4 दिन 8 दिन 6 दिन पहले वो भगवान का चेहरा उतर जाएगा कि आइए ये घाट आने वाली, ये कष्ट। तो कभी कभी पूजन करते करते आपके मन में भाव आता है, आज भगवान ना जाने कैसे लग रहा है, भगवान को मैंने ड्रेस भी पहनाई, सब कुछ करा, श्रृंगार भी करा, पर भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही, भगवान के चेहरे पर रौनक तो नहीं दिख रही, कारण क्या? समझ जाओ, फिर सतर्क हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आप ही को संभालना है। गंगा मैया, आपने बता दिया कि घात आने वाली, आपने बता दिया कि कष्ट आने वाला है, पर संभालेगा कौन गंगा मैया? आप स्वयं आओ, स्वयं संभालो, जिसने रास्ता बताया है उसी को पकड़ लो। गंगा की झाड़ी में से गंगा जल चले गया, उसने मार्ग बता दिया, तो उसी गंगा की झाड़ी को, उसी गंगा की झाड़ी में वापिस ढक्कन को खोल कर, तुम्हें मालूम है इसमें जल नहीं है, तो अपने शुद्ध जल को लाकर, जो जल आपके पास में हो, भले हापसी का हो, हेडपंप का हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो, जो जल शुद्ध है, उस जल को लाकर उस गंगा जी में भर दीजिए, और भरकर निवेदन कर दो, माँ अब आपको संभाल लेना है, वापिस ढक्कन लगा दीजिए, वो गंगा अपने आप प्रकट होकर संभाल, उसको खाली नहीं रखना है, उसको खाली नहीं रखा जाता, ये आपको संभाल। उससे निवेदन कर कि माँ आप जब घर में परिवार में गंगा जली पूरा उत्सव मनाकर खोलते हो, तो गंगा जली की जो झाड़ी होती है, वो झाड़ी का गंगा जल जब निकल जाता है, तो झाड़ी को अपने घर की बहन बेटी को दे देना चाहिए, घर में खाली झाड़ी नहीं रखना, या तो उसमें जल भर कर रखो,
गंगा जल की झारी खाली नहीं होना, उसमें या तो गंगा जल में और गंगा जल मिला दो, और जल मिला दो, दूसरा जल मिला दो, पर उसको भर कर उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा जल की होना चाहिए। और अगर नहीं रख सकते तो वो अपनी बहन बेटी को दे दो, फिर बहन बेटी भले अपने घर में खाली भी रखेगी तो उसको दोष नहीं लगता। पर जिसने गंगा जली खोली है, जैसे तुमने गंगा जली खुलवाई, बड़े आराम से खुलवाई, ब्राह्मण का भोजन भी करा, यज्ञ भी करा, अनुष्ठान भी करा, और गंगा जली खोल भी ली, और खोलने के बाद गंगा जल सबको बांटा भी सरी, और वो गंगा जली जो खाली हो गई तुमने रख ली तो वो दोष थे। हाँ, उसमें अगर जल भर कर रख लिया तो दोष नहीं देगी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल बचा के रख लिया आपने, थोड़ा जल बचाया आपने तो वो दोष नहीं देगी, वो आपको सुख प्रदान। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आप अपने सभी मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, और इस पुण्य कार्य में आप लाइक कर शेयर कर कमेंट कर इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। शिव महापुराण के ऐसे ही विभिन्न उपायों को जानने के लिए बिना रुके तुरंत सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, पूरा वीडियो देखा करें। हर हर महादेव। सब्सक्राइब प्लीज़।